तो यार हेलो गाइस, कैसे हो आप? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको विंडो के लिए एक ऐसा स्क्रीन रिकॉर्डर सॉफ्टवेयर देने वाला हूँ जिसकी मदद से आप अपने विंडो को फुल HD में रिकॉर्ड कर पाओगे और इजीली उसको एडिट करके यूट्यूब पर या फिर इंस्टाग्राम पर कहीं पर भी अपलोड कर पाओगे। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा कि आपको कैसे डाउनलोड करना है सॉफ्टवेयर को और कैसे उसको इंस्टॉल करना है और किस तरह से आपको अपनी विंडो की स्क्रीन को रिकॉर्ड करना है। तो बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है और मैं आपको बता दूं कि गाइस, अगर आप इस सॉफ्टवेयर की मदद से अगर अपने विंडो की स्क्रीन को रिकॉर्ड करते हो, उसके बाद अगर आप उस वीडियो को अपने फ़ोन में लेकर काइन मास्टर से एडिट करोगे तो इजीली एडिट हो जाएगा। गाइस देखो, अभी मार्केट में गूगल में काफ़ी सारे एक ऐसे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जो कि आपके विंडो को रिकॉर्ड तो कर लेंगे, बट अगर आप उसको काइन मास्टर में ओपन करोगे ना तो काइन मास्टर में ओपन नहीं होता है। तो ये सॉफ्टवेयर बहुत ही अच्छा होने वाला है, अगर आप इसे यूज़ करोगे तो आप समझ जाओगे। तो आप वीडियो को पूरी एंड तक देखना और स्टेप बाय स्टेप आप मेरी ट्रिक को फॉलो करना। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको जाना है गूगल में। गूगल में आपको यूट्यूब पर ओपन करना है और यूट्यूब को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है HK टेक्निकल बाबा। तो HK टेक्निकल बाबा लिखने के बाद आप सिंपली मेरे चैनल पर आ जाओगे और इस चैनल को गाइस आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना और किसी भी एक वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि आपके भाई को आपका सपोर्ट मिल जाएगा। तो गाइस इतना करने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि सॉफ्टवेयर का नाम क्या है और उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे करना है, पूरी प्रोसेस अब मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस, विंडो की स्क्रीन को फुल HD में रिकॉर्ड करने के लिए जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है OBS स्टूडियो। तो गाइस, इसका सेटअप भी मैं आपको दे रहा हूँ, इसके साथ VC रिडिस्ट का सॉफ्टवेयर भी मैं आपको दे रहा हूँ। इनका क्या यूज़ है मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस देखो, होता क्या है, अगर आप किसी और वीडियो को देखकर अगर आप OBS स्टूडियो को डाउनलोड करोगे तो वो आपको सेटअप दे देंगे, बट गाइस VC रिडिस्ट एप्लीकेशन नहीं देते हैं जिसकी मदद से आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड नहीं कर पाते हो, इंस्टॉल नहीं कर पाते और यूज़ भी नहीं कर पाते हो। बट गाइस मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ कि ये VC रिडिस्ट है ना वो क्या है। तो देखो गाइस, अगर आप अपने कंप्यूटर में 32 बिट डाले हो ना, 32 बिट डाले हो, तो ये सॉफ्टवेयर आपके बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाला है। तो गाइस 32 बिट में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, 50% लोगों का क्या है इंस्टॉल हो जाता है, 50% लोगों का इंस्टॉल नहीं होता है। तो उसके लिए आपको ये VC रिडिस्ट सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपका 32 बिट है तो सबसे पहले आप VC रिडिस्ट सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेना। मैं आपको दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको OBS स्टूडियो को इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करना ईजिली है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। अगर आपका 64 बिट है तो आप डायरेक्टली सेटअप चला देना, आपके में OBS स्टूडियो वर्किंग हो जाएगा। तो आपको सिंपली उसके बाद आपको OBS स्टूडियो को ओपन करना है। ओपन करोगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे ही प्लस के आइकन पे क्लिक करोगे यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आएगा डेस्कटॉप कैप्चर का। तो ये वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ से ओके करना है, ठीक है? इसके इतना करने के बाद आपको एक बार और प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको विंडो कैप्चर के ऑप्शन में जाना है, तो सबसे नीचे आपको मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके आपको ओके कर देना है। तो मैं कैंसिल इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली चल रही है, ठीक है? तो इतना करने के बाद देखो गाइस, यहाँ पर आपको एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। सेटिंग के ऑप्शन में जाना है। सेटिंग के ऑप्शन में जाओगे, यहाँ से वीडियो के ऑप्शन में जाना है। वीडियो के ऑप्शन में जाने के बाद देखो गाइस, मेरे सिस्टम में ये लॉक इसलिए बता रहा है क्योंकि गाइस मैं अभी इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू है। तो आप देख सकते हो जो सेटिंग मैंने करी है ना, आपको सेम वही सेटिंग आपको कर लेना है अपने PC में। इसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर में फुल HD में स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर पाओगे और उसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करने के लिए आपको सिंपली मैं आपको एक बार और दिखा देना चाहता हूँ आपकी सेटिंग। देखो, आपको 60 FPS में आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करना है, अप्लाई करके ओके करना है। यहाँ पर आपको स्टॉप का ऑप्शन दिख रहा है क्योंकि मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू है। अगर आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू नहीं है तो यहाँ पर आपको स्टार्ट रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आएगा, उसको आप क्लिक कर देना। यहाँ से आप मिनिमाइज़ करके अपनी जो आपका जो पूरा डेस्कटॉप है ना उसमें आप जो भी काम करोगे वो रिकॉर्ड हो जाएगा। तो देखो गाइस, यहाँ से रिकॉर्डिंग चालू हो गया है और जब आपको रिकॉर्डिंग बंद करना हो तो आपको स्टॉप रिकॉर्डिंग पर क्लिक कर देना है। अभी अभी अगर मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग पर क्लिक करूँगा तो हमारी विंडो की जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो बंद हो जाएगी, फिर मैं आपको बता नहीं पाऊँगा। तो चलिए गाइस, यहाँ से मैं स्टॉप करता हूँ तो देखना आप रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।